नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मारी यूट्यूब चैनल विद्यादीप में आप सबनु हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आजना वीडियोनी अंदर आपणे धोरण 9मो विषय छे सामाजिक विज्ञान, तेमां पाठ 15मो। आ पाठनुं नाम छे जल परिवाह। आ पाठना स्वाध्यायनुं संपूर्ण सोल्यूशन आजे आपणे आ वीडियोनी अंदर जोवाना छीए। विद्यार्थी मित्रों, जो तमे मारी चैनल में नवा होय तो मारी चैनलने जरूरथी सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक करो, शेयर करो अने बेल नोटिफिकेशन आइकॉन ऑन करो, जेथी आगळना दरेक नवा वीडियोनी नोटिफिकेशन तमारा मोबाइलनी स्क्रीन पर मळी शके। तो चालो विद्यार्थी मित्रों शरू करीए। धोरण 9मो विषय छे सामाजिक विज्ञान, तेमां पाठ 15मो। आ पाठनुं नाम छे जल परिवाह। तेमना स्वाध्यायनुं सोल्यूशन जोईए। पहेलो प्रश्न, नीचेना प्रश्नोना टूंकमां उत्तर लखो। प्रश्न 1नो पहेलो प्रश्न छे तफावत आपो। तो अहीं आपणे हिमालयनी नदीओ अने द्वीपकल्पीय नदीओ तेना विशे तफावत जोवाना छे। हिमालयनी नदीओमां बेसिन मोटा छे, ज्यारे द्वीपकल्पीय नदीओना बेसिन नाना छे। हिमालयनी नदीओना उद्गम स्थान ऊंचा होवाथी ते पर्वतावस्थामां वेगथी वहे छे। तेमणे पर्वतमां पुष्कळ घसारो करी ઊંડી ખીણો અને કોતરો બનાવ્યા છે। તે ઊંડી ખીણોમાં થઈને વહે છે। જ્યારે દ્વીપકલ્પીય નદીઓના ઉદ્ગમ સ્થાન પ્રમાણમાં નીચા હોવાથી તેનો વેગ ઓછો હોય છે। તેના દ્વારા થતો ઘસારો ઓછો હોવાથી તે છીછરી ખીણોમાં થઈને વહે છે। ત્યાર પછી આ નદીઓ બારેમાસી છે। તેમાં ચોમાસામાં વરસાદથી અને ઉનાળામાં હિમાલયના શિખરોનો બરફ પીગળવાથી પાણી આવ્યા છે। જ્યારે આમાંની મોટાભાગની નદીઓ હંગામી છે, તેમાં માત્ર વરસાદનું પાણી આવે છે। તેથી મોટી નદીઓમાં પણ ઉનાળામાં પાણી ઘણું ઓછું થઈ જાય છે। તે પર્વતોમાં તીવ્ર ઘસારો કરી રેતી અને કાપ મેદાનોમાં ઘસડી લાવે છે, જ્યાં નિક્ષેપણ ક્રિયાથી પૂરના મેદાનો तबंध वगैरह रचाय छे। प्रमाण ओछू होय छे। ते ओछो घसारो करती होवाथी तेना पाणीमां रेती अने कापनु आथी निक्षेपण बहु ओछू थाय छे। मैदान प्रदेशमां तेना तळमां थता निक्षेपणथी प्रवाहमां घणो विस्फोरण थया करे छे। नक्कर खडकवाळुं तळ, ओछू पाणी अने प्रवाहमां निक्षेपना अभावे प्रवाहनु कोई नोंधपात्र विस्फोरण थतुं नथी। અહીં આપણે તફાવત જોયો બંને વિશેનો। ત્યાર પછી બીજો પ્રશ્ન છે, સમજાવો જળ પરિવાહ અને જળ વિભાજક। ભારતની ભૂપૃષ્ઠ રચનાથી સ્પષ્ટ થાય છે કે પ્રારંભમાં પર્વત કે ડુંગરમાળામાંથી એક નદી નીકળે છે। એ પછી તેના પ્રવાહ માર્ગમાં તેને નાની મોટી નદીઓ જુદી જુદી દિશાએથી આવીને મળે છે। એ નદીઓ મુખ્ય નદીની શાખા નદીઓ કહેવાય છે। અંતે આ નદીઓનું પાણી સમુદ્ર, મહાસાગર કે રણ પ્રદેશને મળે છે। આ રીતે एक नदी तंत्र वडे नदीनो प्रवाह जे क्षेत्र विस्तारमांथी पसार थाय छे तेने नदीनुं बेसिन क्षेत्र कहे छे। आम एक मोटी नदी अने तेनी शाखा प्रशाखा नदीओनुं क्रमबद्ध रीते गोठवायेलुं सामूहिक तंत्र जल परिवाह प्रणाली कहेवाय छे। जल परिवाहमां मुख्य नदी अने तेनी शाखा नदीओनी गोठवणी जुदा जुदा प्रकारनी होय छे। जे कोई पर्वतधार के उच्च भूमि वडे बे पड़ोसी जल परिवाह अलग छे के थाय छे, ते पर्वतधार के उच्च भूमि ने जल विभाजक कहेवामां आवे छे। त्यार पछी त्रीजो प्रश्न, सरोवरोनी उपयोगिता जणावो। सरोवरोनी उपयोगिता। भारतना केटलाक सरोवरो नदीओना उद्भव स्थान छे। जेम के अमरकंटक सरोवरमांथी नर्मदा नदी निकळे छे। वधारे वरसादवाळा विस्तारोमां आवेला सरोवरोमां વધુ પાણી એકઠું કરી તેનો ઉપયોગ સિંચાઈમાં, પીવામાં, ઘર વપરાશમાં તેમજ मत्स्य उद्योग माटे करी शकाय छे। सरोवरना पाणी दुष्काळ वखते उपयोगमां लेवाय छे। नदीओ पण मोटा बंधो बांधी बनावेला सरोवरनुं पाणी सिंचाई, जल विद्युतनुं उत्पादन तथा मत्स्य उद्योग माटे उपयोगमां आवे छे। घणा सरोवरो कुदरती सौंदर्यमां वधारे करता होय छे। तेथी ए सरोवरने सहेलगाह के प्रवासन स्थळो तरीके विकसावी शकाय छे। आम सरोवरो अनेक रीते उपयोगी छे। चौथो प्रश्न छे, जल प्रदूषण अटकाववाना उपायो जणावो। जल प्रदूषण अटकाववाना उपायो। जल प्रदूषण अटकाववा माटे बनावेला नियमोनुं कड़कपणे पालन करावो। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना द्वारा जल शुद्धीकरण माटे बनावेला नदीओमां न ઠાલવે। औद्योगिक एकमो पोताना नदीओमां न ઠાલવે તે માટેના કડક કાયદા બનાવવા। ઉદ્યોગો दूषित पाणीने नदीओमां છોડતા પહેલા તેની પર જરૂરી શુદ્ધિકરણની પ્રક્રિયા કરે, જેથી रासायनिक जल में रहेला हानिकारक तत्वों नाबूद थाय। दूषित पानी ने शुद्ध कर्या पछी ज तेनो नदीओं में निकाल करी शकाय एवा सरकारी कायदा बनावा अने तेनो चुस्तपणे अमल करावो। बधा नागरिकोए नदीनुं पाणी चोख्खुं रहे ते माटे घरनो कचरो नदीना पाणीमां न पड़े तेनी काळजी राखवी। त्यार पछी पांचमो प्रश्न छे, गोदावरी ने दक्षिणनी गंगा कहे छे कारण आपो। गंगा नदीनी जेम गोदावरी नदीनो प्रवाह मार्ग लांबो अने तेनुं बेसिन क्षेत्र विस्तृत छे तेथी तेने दक्षिणनी गंगा कहे छे। त्यार पछी प्रश्न नंबर 2, नीचेना प्रश्नोना उत्तर लखो। तेमां पहेलो प्रश्न, गंगा नदी प्रणाली विषे समझावो। हिमालयना गंगोत्रीमांथी निकळती अलकनंदा अने भागीरथी नदीओनो संगम देवप्रयाग पासे थाय छे। त्याथी तेमनो संयुक्त प्रवाह गंगा नामे ओळखाय छे। ते हार्द्वार पासे मैदानमां प्रवेशे छे। मैदान प्रदेशमां घणी नानी मोटी नदीओ उत्तर तरफथी आवी गंगाने मळे छे। तेमां नेपाळथी आवती घाघरा, गंडक अने कोसी मुख्य छे। हिमालयना यमुनोत्रीमांथी यमुना नदी निकळे छे। गंगाना जमणा किनारे प्रयाग एटले के अलहाबाद पासे गंगा अने यमुनानो तथा पटना पासे गंगा अने सोर्णनो संगम थाय छे। पश्चिम बंगालना फराका पासे गंगा बे फाटाओमां वहेंचाई जाय छे। तेनो मुख्य फाटो दक्षिण पूर्व दिशामां आगळ वधी पद्माना नामथी बांग्लादेशमां प्रवेश करे छे। दक्षिण तरफनो बीजो फाटो भागीरथी हुगली नामे पश्चिम बंगालमां वही बंगाळानी खाडीने मळे छे। पद्मा बांग्लादेशमां ब्रह्मपुत्रना प्रवाहनी साथे भળી जाय छे, जेने અહીં જમુના કહે છે। ત્યાંથી બંગાળની ખાડી સુધીનો તેનો સંયુક્ત પ્રવાહ મેઘના નામે ઓળખાય છે। ગંગાની લંબાઈ 2500 કિલોમીટરથી વધારે છે। ભારતમાં તેનો બેસિન વિસ્તાર સૌથી મોટો છે। ઉત્તર ભારતનું મોટા ભાગનું પાણી ગંગા તંત્રમાં વહી બંગાળની ખાડીમાં જાય છે। ગંગા અને બ્રહ્મપુત્ર નદીઓનો મુક્ત ત્રિકોણ પ્રદેશ ખૂબ જ फलद्रुप छे, ते सुंदरवनना नामे ओळखाय छे। त्यार पछी प्रश्न नंबर 2, नर्मदा बेसिन विषे जणावो। नर्मदा नदी अमरकंटक पासेथी निकळी मध्य प्रदेशमां एक फाटखेणमां वहीने उद्गमथी लगभग 1312 किलोमीटर दूर आवेला अरब सागरने मळे छे। तेना पહોळा मुखमां लांबे सुधी दरियानुं पाणी जाय छे। नर्मदानुं बेसिन मध्य प्रदेश अने गुजरात पूरतुं सीमित छे। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में जबलपुर पासे आवेला भेड़ाघाटना संगेमरमरना खडकाळ प्रदेश में वहे छे। अहीं नर्मदानो ढोळाव घणो तीव्र होवाथी धुआधार नामना धोधनी रचना थई छे। नर्मदानी घणी शाखा नदीओ छे, जेमांनी कोई 22 किलोमीटरथी वधु लांबी नथी। मोटाभागनी नदीओ नर्मदाने काटखूणे मळे छे। नर्मदा अने तेनी शाखा प्रशाखाओ मध्य प्रदेश में आयाताकार जल परिवाह प्रणाली बनावे छे। त्रीजो प्रश्न छे, कृष्णा अने कावेरी बेसिननी विस्तृत माहिती आपो। कृष्णा बेसिन, कृष्णा नदी पश्चिम घाटमां महाबळेश्वर पासेथी निकळी महाराष्ट्र, कर्नाटक अने आंध्र प्रदेशमां थईने बंगाळानी खाडीने मळे छे। तेनी लंबाई आशरे 1400 किलोमीटर छे। कोयना, घाटप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा, मुसी वगैरे तेनी शाखा नदीओ छे। तेनु बेसिन क्षेत्र महाराष्ट्र, कर्नाटक अने आंध्र प्रदेश में फैलायेलू छे। त्यार पछी छे कावेरी बेसिन। कावेरी नदी कर्नाटक में पश्चिम घाटनी ब्रह्मगिरी श्रेणी मांथी निकळे छे अने तमिलनाडुना कुडलूरनी दक्षिणे जूना कावेरी पनर्मनी पासे बंगाळानी खाडीने मळे छे। तेनी लंबाई आशरे 700 किलोमीटरनी छे। अम्रावती, भवानी, हेमावती, कालिनी वगैरे तेनी शाखा नदीओ छे। तेनु बेसिन क्षेत्र केरल, कर्नाटक अने तमिलनाडु में फैलायेलू छे। त्यार पछी प्रश्न नंबर 3, नीचे आपेला विकल्पोमांथी साचो विकल्प शोधो। पहेलो प्रश्न, नदीओना विस्करणने कारणे केवा सरोवरो रचाय छे? घोड़ानी नाळ जेवा। बीजो प्रश्न, कोई पर्वत के उच्च भूमि नदीओना वहेणने एकबीजाथी अलग करे तेने शुं कहेवाय? जल विभाजक। त्रीजो प्रश्न, नीचेनामांथी कई नदी द्वीपकल्पीय नथी? कोसी नदी जे द्वीपकल्पीय नथी। चौथो प्रश्न छे, नीचेनामांथी क्या सरोवरोनो उपयोग मीठू पकाववा माटे थाय छे? सांभर नदीनो, सांभर सरोवरनो। पांचमो प्रश्न, गंगाने મળતી मुख्य नदीओ कई कई छे? यमुना, घाघरा, गंडक अने कोसी। વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં આપણે ધોરણ 9મો વિષય છે સામાજિક વિજ્ઞાન તેમાં પાઠ 15મો જળ પરિવાહ આ પાઠના સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન પૂરું કરીએ છીએ। આગળના પાઠના સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન મેળવવા માટે મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો। વિદ્યાર્થી મિત્રો ફરી મળીશું પાઠ 16 ની અંદર, ત્યાં સુધી આવજો।